अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैंने बहुत दिनों से कोई बड़ा व्लॉग नहीं बनाया था, तो चलिए, बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि आप अपना पूरा घर का टूर करा दीजिए, अपना पूरा घर दिखाइए, सबको दिखाइए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। मम्मी ना कुछ आज बहुत स्पेशल बनाने जा रही हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं मम्मी क्या बनाने जा रही है। आप क्या बना रहे हो? रसगुल्ले की चाशनी। अच्छा, ये चाशनी के लिए चढ़ा दी आपने, आप रसगुल्ले बनाने जा रहे हो जी। ये है मेरी अम्मी, ये बनाने जा रही हैं रसगुल्ले। मेरी अम्मी को बहुत कुछ आता है बनाना, मेरी मम्मी मास्टर शेफ़ है और उन्हीं से मैंने बहुत कुछ बनाना सीखा है। ये देखिए मावारी काल के रखा हुआ है मम्मी ने, अब इसको घिसेंगे। और क्या देखिए, ये है मेरी प्यारी सी भाभी। हम तीन भाई बहन हैं, मैं अकेली बहन हूँ और मेरे दो भाई हैं। बड़े वाले भाई की वाइफ ये है, अभी छोटा वाला भाई मेरा कुमारा है। कि ये हमारी गली है और ये हमारे घर के सामने ना एक घर बन रहा है, इस वजह से इतनी धूल मिट्टी सारा दिन उड़ती रहती है ना, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। और यहाँ पर हमारी किराने की दुकान है, हमें जब भी कोई सामान मंगवाना होता है ना तो हमने यहाँ पे थैला डाला हुआ है, अब इस थैले में डाल देते हैं और सामान मंगवा लेते हैं। इस थैले में आया था मैदा, क्योंकि बनने जा रहे हैं ना रसगुल्ले। ये देखिए, ये है भाभी का ऊपर का फ्लोर। बच्चों की वजह से थोड़ा सा मैसी रहता है, लेकिन मतलब सुबह एक बार साफ़ हो जाता है, पर बच्चों की वजह से ना थोड़ा सा मैसी रहता है। इजान और हमजा दोनों ने नाक में दम कर रखा है, शैतानी कर करके ना पूरे घर की हालत ख़राब कर रखी है। देखिए हमजा यहाँ पर बैठ कर खा रहे हैं रसगुल्ले, अरे सॉरी गोलगप्पे खा रहे हैं हमजा। हमजा क्या खा रहे हो? एक शॉर्ट वीडियो लेना। और ये देखिए, ये मेरी प्याली ची मुन्नी है और शिफान लेटे हुए मस्त, ये दोनों मस्त खेल रहे हैं यहाँ पे। हमजा आप क्या खा रहे हो? भाभी का रूम है। यहाँ पे रखी हुई है डाइनिंग टेबल, जिसका कोई यूज नहीं आता क्योंकि हम फैमिली मेंबर ज्यादा हैं और इसमें चेयर कम है। और ये हमारी फ्रिज है, ये भाभी का सोफा कम बेड है, सोफा कम बेड होता है ना जो स्टाइल वाला, ये वो है, ये यहाँ पे वो रखा हुआ है। और ये है वॉश बेसिन, एक छोटा सा बाथरूम यहाँ पर है, वैसे कमरे में अटैच्ड बाथरूम है। और ये है टीवी वाला पैनल, टीवी लगी नहीं हुई है, सब फैसिलिटी सारी है पर है कुछ नहीं। और इधर से तो जीना है, सेम थर्ड फ्लोर भी सेम ऐसा ही बना हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सामान है, वहाँ पे खाली है, तो वो मैं आपको फिर किसी दिन दिखा दूंगी। तो ये है काफी प्यारा सा सुंदर सा हमारा घर। अम्मी कितना टाइम लगेगा अभी? अभी कहाँ से बताओ जरा, मैं थोड़ा सा शिफान को लेने चली गई, मम्मी ने इसमें सब कुछ मिक्स कर लिया। मम्मी तुमने बताया भी नहीं, मैं वीडियो बना रही थी ना। कुछ नहीं डाला, अभी मैदा डाला है। मैदा? अब ये क्या डाल रही हो? बेकिंग सोडा। देखो चाशनी भी हमारी बनके एकदम रेडी हो चुकी है, एक तार वाली। ये क्या देख रही हो? दूध से गूंदोगे? मम्मी ज्यादा नहीं हो गया? क्या? दूध। नहीं ठीक है ना, फिर इसमें और कुछ नहीं डालोगे ना? कितनी देर गूंदोगे मम्मी इसे? देखिए हमारा रसगुल्ला बनकर एकदम। सॉरी मम्मी, इसे पता है गुलाब जामुन कहते हैं, हम लोग इसे रसगुल्ला रसगुल्ला कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये ना वो है गुलाब जामुन है, लेकिन ना यूपी साइड में ना ज़्यादातर इसे रसगुल्ला ही बोलते हैं।
है तो बड़ा आसान सा काम ये, रसगुल्ले वगैरह बनाना बड़ी जल्दी बन जाते हैं। भाभी तल रही हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। भाभी तल रही हैं रसगुल्ले, सॉरी गुलाब जामुन। जमान पड़ी हुई, आदत पड़ी हुई है तो वही निकलता है बार बार। भाभी ये एकदम स्लो आंच पे तलेंगे। स्लो ही है, वो तेल गर्म हो गया ना कढ़ाई की, स्लो फ्लेम करके, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे अंदर से। स्लो ही है यार, कई बार तले, मैंने पहली बार थोड़ी ना कर ली। अच्छा ये देखिए एकदम गोल्डन गोल्डन सा कलर आने लग गया, लग रहे हैं ना एकदम टेस्टी। हाँ जी, हाँ हाँ पढ़ लो, जाके जाओ पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। मम्मी मैं बनाई देती हूँ, लो मेरे पास दो दो काम है, इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखना है, और अब बाकी के ना बचे हुए रसगुल्ले मैं बनाऊंगी। सॉरी गुलाब जामुन दिखा भाभी। अरे वाह, ये तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं। देखो बिना फूटे एकदम तल गए हैं। अब हम जा बन जाए फिर खाना, यार ऐसे क्या देखोगे। मम्मा दिखाओ ना, बस अभी ले रही है मम्मा, एक मिनट बस, ये दो तीन और बना दे, बस बस अभी ले रही है मम्मा, बस अभी ले रही हूँ, अभी ले रही हूँ, दो मिनट। पता नहीं गोल शेप क्यों नहीं आती, कैसे फैल जाती है बार बार। हमारे ना गुलाब जामुन जा चुके हैं चाशनी के अंदर। हाँ चलिए आपको एक ट्राई करके दिखाते हैं। कटोरी काफी अच्छा बना है, काफी सॉफ्ट बना है, खा के बताते। थोड़ा आउटर लेयर थोड़ी सी बाबू ने खाएगी, जल गई है समझा, बाबू नहीं खाएगी। ट्राई करके दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मैं कर रही हूँ गुलाब जामुन एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।